हाय गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज संजना चौधरी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग होने वाला है जेद्दा लेओवर। सो आज मैं जा रही हूँ दिल्ली टू जेद्दा। जेद्दा में अपना लेओवर है, फिर वापस एक सेक्टर करके वापस आना है। सो रियली एक्साइटेड फॉर द लेओवर। इंटरनेशनल लेओवर है, सो देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए बाहर जाएंगे। अभी मैंने मेकअप तो कर लिया है, देखो अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू। सो मेकअप कर लिया है, यूनिफॉर्म पहननी बाकी है। बस सोच रही हूँ कि उससे पहले कोई आपके लिए वीडियो बना दूँ इन्फॉर्मेटिव। सो बस वीडियो बना लेते हैं, अपना नॉर्मल कपड़ों में है। सो वीडियो बनाने के बाद फिर मैं तैयार हो जाऊँगी और फिर चलते हैं अपना फ्लाइट के लिए। हे एवरीबॉडी, क्विक अपडेट, अभी हम हो चुके हैं रेडी और खा रहे हैं रोटी नहीं है, ब्रेड है पीनट बटर के साथ। सो पीनट बटर के साथ ब्रेड, थोड़ा सा कुछ खा के चली जाती हूँ। कैब आने के लिए अभी 5-10 मिनट बाकी हैं, तो मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है 8:40 को। 6:30 बजे निकल जाऊँगी, आराम से 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगी। बिकॉज इस टाइम पे सारा ये ऑफिस टाइम होता है, जितने भी ऑफिस वाले होते हैं ना 9 to 5 वाले, वो सब लिख रहे होंगे। ठीक है, खा लेकर तब बोल। तो ट्रैफिक का थोड़ा सा ज़्यादा होता है ट्रैफिक, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं। तो 2 घंटे पहले मैं निकल रही हूँ, जिससे कि मैं 1.5 घंटे में पहुँचूँ, तो आधा घंटा पहले अपना वहाँ पे पहुँच जाऊँ। ठीक है। ठीक है, यस ठीक लग रहा है भाई। ये कैसे हो गया, सारा फैशन ही खराब हो गया मेरा तो। अरे कुछ नहीं हुआ। एक चिमटी लगानी पड़ेगी मैं यहाँ पे, मुझे नू गुस्सा। बस अब कैसी हो, मैं नहीं कर रही अब कुछ भी, बस बाय बाय। ड्राइवर से तो पूछ लो आगे का। तो अभी मुझे लगा था कि कैब आ गई है, लेकिन अभी तक कैब नहीं आई है। अभी उनको 1 घंटा और लगेगा और मैं बिल्कुल रेडी होके बैठी हुई हूँ। अगर अभी मैंने 1 घंटा वेट कर लिया तो लेट हो जाऊँगी। तो फिर मैंने अपने ट्रांसपोर्टेशन के हेड को फ़ोन किया, अपना पूरा प्रोसेस पूरा कर दिया। अभी वो देखते हैं दोबारा से कोई और कैब भेजेंगे या कुछ तो करेंगे। कितनी गलत बात है ना, आज मैं पहले 2 घंटे पहले रेडी होके बैठी हुई हूँ कि मुझे जल्दी से मेरा पिकअप कर दो, मेरे को टाइम से वहाँ छोड़ दो, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट है, लेट होना बिल्कुल भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और ये लोग हमेशा मेरे को लेट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। Thank you.
सो अभी हम पहुंच चुके हैं जद्दा में, अभी हम अराइवल्स के लिए जा रहे थे और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी. नाउ यू कैन जस्ट लुक एट माई फेस बिकॉज फ्लाइट ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी बिकॉज पैसेंजर्स को ना ही तो इंग्लिश समझ में आ रही थी ना ही हिंदी समझ में आ रही थी, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. लेकिन हमारा एकदम से मूड सब चेंज हो गया सब लोग, बिकॉज होटल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था जैसे आप देख ही सकते हैं. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने सोचा कि जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके हम निकल पड़ते हैं बाहर, कुछ घूमेंगे, कुछ सामान खरीद के लाएंगे, बिकॉज शॉपिंग तो ज़रूरी है. अगर आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत यादें लाना ज़रूरी होता है. तो बस इसीलिए फिर हमने जल्दी से चेंज किया और हम निकल पड़े शॉपिंग के लिए. बट शॉपिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था दोपहर में खाना खाना और शाम का खाना खाना. और ये हमारे रूम से कुछ ऐसा व्यू दिखाई दे रहा था, रात को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था. तो फाइनली मैंने किए कपड़े चेंज, बहुत देर डिसाइड करने के बाद मुझे ये मिला कि मैं ये सूट पहन लेती हूँ. सो दिस इज़ लॉबी गाइस, लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. ये अपने दो क्रू ये अपनी क्रू है ये नहीं. एंड दिस इज़ मी. भाई मैंने भी अबाया मंगाया था, ऐसी बात नहीं है कि मैंने अबाया नहीं मंगाया, मंगाया था लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा था. Let's go. बहुत महंगा था. I like the dress. मुझे बहुत सुंदर लगी थी वो, जिसका मैं फोटो भी डाल दूँगी. ठीक है, मैंने उसका प्राइस देखा, उसको इंडियन रुपीज़ में फिर काउंट लाइक कैलकुलेट किया. सो दैट वॉज फॉर 21,000 रुपीज़ की मुझे ड्रेस पसंद आई है. फिर मैं Thank you.
बस भाई मेरे को यही मिला अपना वेजिटेरियन ऑप्शन। अरे बाप अरे ऐसे केस दे लो ऐसे केस दे लो ऐसे दिगो दिगो हूं की मारे नहीं। फाइनली आधे घंटे के बाद हम पहुंच गए। इतना सुंदर था ये। एक तो शाम हो रही थी, रात होने वाली थी, हवा बहुत अच्छी चल रही थी एंड लुक एट दिस, कितना सुंदर लग रहा है। मैं काफ़ी देर में यहीं पे बैठी रही, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट यहीं पे खड़ी रही, फिर मैं पीछे जाकर बैठ गई बिकॉज इट वॉज सो सूदिंग सो रिलैक्सिंग, बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ पे जाके। How beautiful it is. जी अब वक्त हो चला है अपने देश वापस जाने का, तो बस हम यहाँ से अपना चेकआउट ही कर रहे थे। हमारी ये बस भी रेडी थी जिसमें हम सब लोगों को जाना था एयरपोर्ट तक। फिर से मैंने लास्ट में रूम से एक वीडियो बना ली कि रात को कैसा व्यू आ रहा है और अपना चल पड़े अपना इधर एयरपोर्ट आ गया। मेरा उस फ्लाइट का ऑपरेट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था बिकॉज आई वॉज सो स्लीपी। सिर्फ मैं 2-3 घंटे ही सो के मैं फ्लाइट पे निकल गई थी। हेलो एवरीवन, तो पहुंच चुके हैं अपने घर इंडिया में, ठीक है, दिल्ली अपना पहुंच गए हैं और सारा कुछ हो गया। बस अभी थकान हो रही है, नींद आ रही है, चाय मम्मी ने बना के रख दी है तो अभी चाय पीनी है, मेकअप उतारना है, थोड़ा असली अपने उसमें आना है, ठीक है, और बस सो जाना है थोड़ा सा। कल भी फ्लाइट है अपनी शाम की है, बट सो टिल देन टेक केयर बाय। जैसा भी ब्लॉग बनाए भाई थोड़ा कोऑपरेट करो क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा ना बन पाया मुझसे ब्लॉग, ठीक है, कि मुझे नींद आ रही थी, मैं घूमने के लिए गई थी, मैंने सामान खरीदा, मैं आपको अभी दिखाती भी हूँ मैंने क्या क्या खरीदा, ठीक है, वीडियो अपना नाम से डाल देंगे। और थैंक यू सो मच, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करो, प्रॉब्लम हो इंस्टा पे आ जाओ। इंस्टा की आईडी है संजना.चौधरी। बाय बाय।